कसौली के धर्मपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक होकर काम करने के संकेत दिए। ये संकेत इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि कार्यकर्ताओं की आपसी फूट की वजह से पिछली बार कांग्रेस के हाथों से ये सीट निकल चुकी है और भाजपा दूसरी बार यहाँ विजय रही थी। क्योंकि इस बार कांग्रेस को एक एक सीट की जरूरत है, इसलिए वीरभद्र सिंह किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और हर हालत में जिला सोलन की 5 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। कसौली विधानसभा क्षेत्र में जहां एक ओर कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए लोगों का आग्रह किया, वहीं उन्होंने भाजपा को जीएसटी के मुद्दे पर घेरने का प्रयास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नोटबंदी कर लोगों की कमर तोड़ी गई, फिर गब्बर सिंह टैक्स लगाकर लोगों को मरने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का जोर चले तो वे मुर्दों को जलाने पर भी टैक्स लगा दें। उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल के लोगों को बांटने का काम करते हैं, आज भी वे देश में फूट डालकर राज कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस लोगों के दिल में राज करती है। अंत में उन्होंने कसौली के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी को जिताने के लिए लोगों से आग्रह किया और सभी को एकता के साथ भाजपा के खिलाफ मतदान करने का आह्वान भी किया। थोड़े उबरने लगे थे तो उसके बाद जो है जीएसटी आ गया और दुकानदारों के ऊपर डबल स्विंग टैक्स जीएसटी नहीं है, वो जो है डबल स्विंग टैक्स और इससे पहले कटाई बंद हो गया, कटाई बंद हो गया तो उनका बस आए तो हर नाश्ते की गोली टैक्स लगी। ऐसे एक जमाने में हुआ था, पहले फूकना है लाश को तो पहले राज का तब दो तब जाके लाश को फूक सकते हो। से मेरी प्रार्थना है सबसे यहाँ सुशांत सिंह जिताएंगे भारी भारी बहुत से इतने चैनल जो है ना, एक ऐसा चैनल है भाई कहाँ का है, वो हमेशा ही भाजपा पहले दिन से ही वो भाजपा को हमसे आगे बता रहा है। 70 सीटों का दे रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई सच्चाई जो है एक दिन सामने आएगी, तब उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा।